हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। हमने पिछली वीडियो में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया था। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यकीन मानिए, यदि इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक जरूर देख लिया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। आप इस वीडियो का नोट्स जरूर बनाइए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप अपने नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जो नोट्स बनाने वाले हैं वो मेरा खुद का नोट्स है, मैं उस नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिविज़न करिए और इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं करेंट अफेयर्स की क्लास, जो कि डेली सुबह 6 बजे होती है। इस क्लास को आप ज़रूर देखा करिए। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, यह सुबह 11 बजे होती है। और स्टैटिक करंट जीके, जो कि डेली दोपहर में 2 बजे। और इंडियन पॉलिटी की क्लास डेली 8 बजे हो रही है। आपको मैंने बता दिया है, इसमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट। जीके जीएस एमसीक्यू की क्लास रोज़ रात को 9 बजे। और शॉर्ट्स वीडियो 11:30 से 4:30 बजे के बीच में अपलोड किए जाते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखा करिए, मात्र 15 से 20 सेकंड के ही वीडियोज़ होते हैं, इसको आप देख लिया करिए। और लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसे नहीं है। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आर्टिकल 59 राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, भारत में राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसे नहीं है। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य को और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। आपको याद होगा कि हमने आर्टिकल 54 में क्या बताया था। आर्टिकल 54 में हमने ये बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, हमने आपको बताया था। ये भी बताया था कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसमें उस चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसे नहीं है। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य को और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को, राज्य विधानसभा और राज्य की विधान परिषदों के सदस्य को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने आर्टिकल 54 में आपको क्या बताया था। चलिए एक बार हम फिर से आपको बता ही देते हैं कि आर्टिकल 54 में हमने क्या बताया था, फिर ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 54 में हमने ये बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। मैंने ये आपको बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। और अब और हमने आपको बताया था राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति किसे नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को, राज्य विधानसभा और राज्य के विधान परिषदों के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल 55, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 55 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसमें यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 55 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात इसमें की जा रही है। इनका चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा, यह आर्टिकल 55 में कह रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं
एक नोट डाउन करके आप लिख लीजिए, पहले 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 आर्टिकल 55 के तहत राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। इसमें लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्षों के लिए 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह 2026 तक 1991 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम पीछे देख लेते हैं। आर्टिकल 55, इसमें ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना वह होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संकरमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया था या आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी नीचे कमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। नोट में मैंने आपको बता ही दिया कि 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 आर्टिकल 55 के तहत राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह 2026 तक 1991 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 56 हम देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में बताया जा रहा है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने साल का होता है, वह होता है 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वह किसे देता है, तो वह राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और राष्ट्रपति क्या करता है, तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 56 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में बात हो रही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने साल की होती है, तो 5 साल की होती है, ये बात हो रहा है। नोट में आपको मैंने बताया राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और त्याग पत्र राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को जब मिलता है तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, समझ में आ गया, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वह उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति क्या करता है, तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे देता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 61, इसमें कहा जा रहा है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। यानी आर्टिकल 61 का संबंध किससे है, महाभियोग से है, महाभियोग से इसका संबंध है। यानी राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इन पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आप नोट्स जरूर बनाइए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक नोट डाउन आप कर लीजिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, तो ऐसा मत क्या करिए, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे शेयर जरूर कर दिया करिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट जरूर करिए हमें। चलिए आगे देखते हैं। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा उसमें 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है वह जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उसमें 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। 14 दिन पहले इन्हें नोटिस देना पड़ेगा। यह जो महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे ऐसा लगता है। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 61, इसमें कहा जा रहा है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यानी आर्टिकल 61 का संबंध किससे है, महाभियोग से है। और महाभियोग संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से हम हटा सकते हैं। यह जो महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और
नोट डाउन में मैंने आपको बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वह अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रयुक्त किया जाता है उसमें 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और ये 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा और महाभियोग के प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 62, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति। नोट में लिख लीजिए, इन री प्रेसिडेंशियल पोल 1974 में कहा गया राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। अब हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति का पद है उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो अपने पद पे बने रहते हैं, जब तक कि अगला राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वह अपने पद पर बने रहते हैं कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, यह बात क्लियर हो गया। चलिए आर्टिकल 60 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 में है। और ये जो शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 60 में यानी 60 में है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं आर्टिकल 59, इसमें राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान है। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो 5 लाख प्रति मंथ इन्हें वेतन मिलता है और यह भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे मैंने नोट किया है आप वैसे नोट डाउन कर सकते हैं या आपको जैसे मन करे वैसे आप नोट करिए, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको इधर उधर दोबारा भटकने की आवश्यकता न हो। जब आप नोट्स बना लेते हैं ना तो आपको रिविज़न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए नोट डाउन में एक और लिख लीजिए, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार 1,50,000 था। ठीक है, पहले इनका वेतन भत्ता एवं पेंशन के अधिनियम 2008 के अनुसार कितना था, तो 1,50,000 और वर्तमान में कितना है, 5 लाख। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 59(4), ये कह रहा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों एवं भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जो भी उन्हें वेतन भत्ता मिलता है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, यह आर्टिकल 59(4) कह रहा है। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक, अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और 2 से 3 क्लास में आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाना चालू किया है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।